We hearty welcome to all the finally selected students who have made their very success to IIT school in the SO examinations. Our beach, and we would like to hear from some of them to share the podium with me. Okay, first of all, I would like to call Saurav Lohia, Mr. Saurav Lohia. Okay, he has been selected in IBPS club exam as well as in SO exam. So, we will share some of the experience of how he made his way to success. So, I would like Saurav to share my podium with the students. Good afternoon, all. My name is Saurav Lohia, SLS Pro. I joined NIBM for preparation in the month of April. From there, we started our preparation, and I personally laid my faith, completely faith on what the faculty member of NIBM is teaching me. मैंने उस पर पूरा विश्वास किया कि सर जो बता रहे हैं वो उसी पे उसी तरीका को फॉलो करना, उसी तरीका से बनाना, उसी तरीका से प्रैक्टिस करना, और वैसे ही प्रैक्टिस किया मैंने और उसी से तैयारी किया जिसे आज मैं सिलेक्टेड हुआ हूँ क्लर्क और एसओ दोनों में। और जहाँ तक बात है कि बहुत कंपटीशन है ऐसा फील होता है, तो अगर अपने अंदर में कॉन्फिडेंस है और आप अपने अंदर में दिल रखेंगे कि नहीं मुझे करना है और पूरा डेडिकेशन के साथ करेंगे तो ये चीज़ टफ नहीं है, बहुत इजी है। मेन चीज़ इसमें क्या मैटर करता है, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना एक्यूरेसी टाइम प्रेशर को आप मैनेज कर पाएगा और टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। थैंक यू सर। लाइक टू नो फ्रॉम द पार्टिसिपेंट एक्चुअली व्हाट इट फील्स व्हेन somebody gets selected into the final exams of the government level job. कैसा फील होता है, कैसा लगता है? हम लोग प्रिपेयर करते हैं, हम लोग तैयारियां करते हैं, हम लोग गाइडेंस लेते हैं, कुछ मुश्किलें भी आती है और फाइनली वी मेक द वे टू आवर सक्सेस। ठीक है, तो कैसा महसूस होता है जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं? काफी सारे सवाल, देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग रेज्ड बाय आवर माइंड्स, जो हमारे सवाल घूमते रहते हैं हमारे ठीक है दिमाग में कि कैसे तैयारी करना है, कितनी वैकेंसीज आ रही है, हमारी तैयारी का लेवल क्या होना चाहिए, टाइमिंग जो है टाइम मैनेजमेंट जो यदि फील एक्चुअली। सो दीपिका ओवर टू यू। Because of you, I got good marks and finally I am selected. And as far as techniques are concerned, learn the techniques from Gupta sir. Because when he teaches very good techniques in between the questions. So learn those techniques especially from him. And work hard and God is there to help you. You will get selected just by honest dedication. से ज्यादा कि देयर इज अ वेरी एक्टिव रोल ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और द फैकल्टीज एज वेल। हमारे जो फैकल्टीज है वो यहाँ पे सुबह से शाम तक नितेश कुमार, ठीक है, आई वुड लाइक टू कॉल नितेश कुमार,
आप यहाँ पे आए और अपने प्रेपरेशन कैसे करा रही थी, ठीक है, ये शेयर करें हमारे जो प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो व्हाट डू यू नीड इज पूरा ध्यान अपने सेट्स, अपने डिटरमिनेशन लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसके बारे में अवेयर नहीं रहेंगे तो फ्लॉस का वीकनेस का है आपके अंदर, पहले उसको डिटरमाइन करिए। उसके बाद एक पर्टिकुलर अपना एम चुने कि आपको क्या चुनना है। अगर आप एसएससी में जाना चाहते हैं तो एसएससी के लिए तैयारी करिए, बैंक में जाना चाहते हैं तो बैंक की तैयारी करिए। बट एक चीज़ है कि जब तक आप अपना गोल क्लियर नहीं करिएगा तब तक आपको कुछ हेल्प नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि टीचर पे भरोसा करना सीखिए। अगर आप टीचर पे भरोसा करेंगे तो वो आपको एक ऐसा ट्रिक्स बताते हैं, ऐसा एक रास्ता बताते हैं जिसमें आप क्लियर आउट कर सकते हैं हर एक अपने डाउट्स को। और सबसे पहली चीज़ ये कि आपको अपने से ऑनेस्टी दिखाना होगा, ईमानदारी, मेहनत के प्रति और सेट्स के प्रति, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जहाँ तक मेरा इरादा है कि मैंने 2013 से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, और मेरा एम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन स्टेट बैंक में 4 नंबर से मैं छूट गया था। तो थोड़ा सेटबैक लगा कि मैं काफ़ी मेहनत किया लेकिन यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट था IIPSPO, और उसके लिए डेफिनेटली टीचर्स का हेल्प, NIBM का लास्ट जो लास्ट फाइनल टच उन्होंने दिया था बहुत हेल्पफुल था, और चंदा सर का नो डाउट इज द बेस्ट पर्सन योर बैंकिंग नॉलेज एवरीवन। एंड दैट्स ऑल, बाकी सब आपके ऊपर है, अपने पर भरोसा करिए, ऑलमाइटी गॉड पर भरोसा करिए, एंड बी ऑनेस्ट टू योर पॉलिसीज एंड योर वर्क हार्ड वर्क। ईमानदारी से, ऑनेस्टी से तैयारी करना, क्योंकि अपने आप से ऑनेस्ट रहते, दूसरों के प्रति ईमानदारी नहीं, खुद के प्रति ईमानदार रहकर तैयारी करना। हम बोलते हैं कि सकारात्मक पहलू, सारे सकारात्मक पहलू को लेते हुए साथ चलते हुए नकारात्मक जितने भी पहलू होते हैं हमारे अंदर उसको लेट्स कीप असाइड फॉर सम मंथ द नेगेटिव एस्पेक्ट, द नेगेटिव ट्रेट्स व्हिच आर कमिंग इनटू आवर माइंड, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द पॉजिटिव ट्रेट्स, विद द ऑप्टिमिस्टिक ट्रेट्स टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। कुछ और लोगों को बुलाते हैं, विशाल कुमार। Good afternoon to all my friends and congratulations to those who have been selected in IIPSPO and CLAT. Well, my friends told everything, but after starting the preparation of the probationary officers, the one immutable truth that I have learned while preparing for this examination is practice. One of my friends told that nobody is perfect. My reply was to him was, practice makes man perfect. You have to practice. That's one truth you can't deny. And with practice, you can clear any exam in this world. It's not impossible. No exam is impossible. You can clear any of the exam, but practice is necessary. Thank you. This is काफी जरूरी होता है, क्योंकि it's very necessary to prepare for the government level competitive exams, और हमें practice नहीं छोड़ना चाहिए। और यस ऑफ कोर्स नोबडी इज परफेक्ट ऐसा कि लोग बोलते हैं, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा प्रियंका जायसवाल है यहाँ पे, प्रियंका कहूँगी कि अगर जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो पेशेंस के साथ प्रिपरेशन करें, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद जॉब पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम पेशेंस रखते हैं और मेहनत करते हैं तो सक्सेस जरूर मिलेगी। एंड द मेन थिंग इज द प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि पढ़ाई तो हम सब करते हैं बट सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो उस 2 घंटे में अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर पाते हैं। हर सब्जेक्ट में प्रॉपर टाइम दीजिए, अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए एंड रेगुलरली टेस्ट दीजिए, बिकॉज सिर्फ टेस्ट ही है कि आपके टाइम को मैनेज कर सकता है एंड आपको ये बताएगा कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, किस सेक्शन में लैग कर रहे हैं। एंड जैसे कि हमारे फ्रेंड्स ने कहा, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस। थैंक यू। of government level of exams, क्योंकि there are 240 questions जो कि पूछे जाते हैं लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और कितने क्वेश्चन हमें बनाने हैं कि जितने भी कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। हम लोग बोलते हैं कि डोंट ट्राई टू एक्ट लाइक चैंपियंस इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो द मिनिमम एक्सेप्टेबल मार्क्स, मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिफाइंग मार्क्स, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमें उसके ऊपर अचीव करना है, और उसके लिए समय प्रबंधन हम लोग बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी अलॉन्ग विद द एक्यूरेसी लेवल ऑफ द आंसर्स। कुछ और लोगों से जाते हैं, और मैं बुलाना चाहूंगा सुमित्रा।
सुमित्रा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको किन किन मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा अगर जब आपने ये तैयारी शुरू की तो अभी पी एस की अपना व्यू देखने के लिए The experience which I gained out of teaching with all the people is a manifold. It's a very rich experience. I have seen a few of people, a few of girls and boys that they have started from zero, but they got through. They are successful. So this is the best example that can be given that with your sincere effort, with your continuous effort, with your scientific preparation, with your trust in the faculty, with your trust in the institution, you can succeed. There is no doubt about it. First of all, you have to trust yourself. You have to introspect yourself. And the success is yours. Nobody can check. मैं बार-बार कहता था क्लास में, जिस दिन आप इस हाल में हो जाओगे, कि आप अपना क्वेश्चन खुद सेट कर लोगे, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं। And I still hold good कि आप जिस दिन इस हालत में पहुंच जाओगे तो आप क्वेश्चन खुद से कर सकते हो और वहाँ के उसको बना दोगे तो रोकने वाले हम सिर्फ आपको गाइड करते हैं मेहनत तो आपका होता है और आपकी लगन ही आपको कामयाब बना सकती है और लगन का कोई दिक्कत नहीं होता है पुनः आप इसको बधाई देते हैं और उन्नत भविष्य की कामना करते हैं थैंक यू चंद्रा जी आपके धन्यवाद हमारे छात्रों के बीच हमने हमारे बीच उपस्थित है विजय सर भी उपस्थित है और मैं चाहूँगा कि वे भी स्टूडेंट्स को रोजगार कहें यहाँ पे तो विजय सर ओवर टू डिप्टी मेयर ऑफ रांची संजीव विजयवर्गीय जी साहब सुरेश चंद्रा साहब फैकल्टी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट अदर फैकल्टी एंड डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट You won't believe. We feel more happy than what we are doing. Success of a teacher lies in the success of the student. जिस तरह से पिता को अपने पुत्र को आगे बढ़ते हुए देख उसे जितनी खुशी होती है उसे अपनी तरक्की से उतनी खुशी नहीं होती तो आप लोग एंड कल हमको बताई थी लक्ष्मी फोन करके कि सर आज जो है तो सेलिब्रेशन फंक्शन है आई फेल्ट कि चलो बहुत अच्छा हुआ हम लोगों के लिए क्या है आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द बैंक हम लोगों के लिए क्या है हम लोगों को खुशी मिलती है कि किसी स्टूडेंट को हम अपनी तरह बना सकें आज के 36-37 साल पहले जब हम लोग स्टेट बैंक में एंट्री लिए थे उस वक्त कहीं की वैकेंसी होती थी और ना इतना कॉम्पिटिशन ही ना इतने स्टूडेंट्स होते मेरा एक ही चीज मानना है मेरा एक ही सिद्धांत है कि आपको ये बिलीव करना पड़ेगा आपको ये भरोसा करना पड़ेगा इवन इफ देयर इज वन वैकेंसी आई विल बी अगर एक भी वैकेंसी है किसी भी पोस्ट के लिए तो मैं क्यों नहीं दूसरा क्यों और शायद इंटरव्यू में जो लोग आए थे वहाँ वगैरह जो हम लोग करा रहे थे तो हम लोग इसी लहजे में बात भी कर रहे थे हम लोग इसी लहजे में बात भी कर रहे थे कि अगर एक भी वैकेंसी जैसे हम लोग तो बात करते थे चंद्रा साहब हमारे साथ काम किए काफ़ी दिनों से हम चंद्रा साहब को
1977 से जानते हैं। स्टेट बैंक में बेस्ट एचएम का एक पोजीशन था। जब मुझे पता चला कि स्टेट बैंक में बेस्ट एचएम का एक पोजीशन है तो भाई ने बताई, और जब तक हम उस असाइनमेंट में रहे, जब तक उस पोजीशन को हम होल्ड किए कंटिन्यूसली फॉर 3 सक्सेसिव टाइम, आई टेन द बेस्ट एचएम पोजीशन ऑफ द स्टेट बैंक। क्योंकि आपके अंदर में इतना मोटिवेशन होना चाहिए, इतना आपके अंदर में ताकत होनी चाहिए कि आप सोचिए कि मेरा ही होगा, अब होने के लिए हमको क्या करना है। जैसा कि हमारे दूसरे प्रवक्ता या जितने अदर दूसरे लोग जो हमने बताया आपको, कि आपको अपने ऊपर और दूसरे के ऊपर भरोसा करना है। आपको यू मस्ट हैव ए फर्म बिलीफ इन थ्योरी ऑफ नल हाइपोथेसिस। थ्योरी ऑफ नल हाइपोथेसिस क्या होता है जानते हैं? द हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस का मतलब कि सामने वाला व्यक्ति जो बात कहता है वो वही, उसका मतलब भी वही होता है और हमको समझना भी वही। तो आपके फैकल्टी, आपके डायरेक्टर, आपके सीनियर, आपके माता पिता आपको जो कहें आप उसी पर भरोसा कीजिए। आप कभी भी अपने मन में ऐसा संदेह पैदा मत कीजिए कि नहीं ये कुछ कह रहे हैं इसका मतलब कुछ और है। जैसे रांची के डिप्टी मेयर साहब, रियली वी आर हैप्पी टुडे कि वो ही शुड ऑल्सो नो कि चलिए कम से कम रांची में एक इंस्टीट्यूट तो ऐसा है जिसको कि इस तरह से सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। सेलिब्रेशन क्या है? हम लोग यहाँ पर आके पानी के लिए, चाय के लिए, कॉफी के लिए, कोल्ड ड्रिंक के लिए, किसी नॉट नथिंग, हमको एक साथ जमा होके खुश होने का मौका तो मिल रहा है। और फैकल्टीज के यहाँ के डायरेक्टर या यहाँ के लोगों का खुशी इसी बात में होगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ाई किए हैं सफल, और फाइनली दे शुड गेट फाइनली सेलेक्टेड। एक लड़की कोई बोली है ना, कौन लड़की बोली मेरे बारे में सर, मेरे इंटरव्यू पे मुझे नाम नहीं याद है, तुम्हारा क्या नाम है? हम लोग इस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं कि मेरा ही हो। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, हम ज्यादा समय नहीं देंगे। जिनका हो गया उनको बधाई हो, और जिनका किसी कारण से नहीं हुआ है, ये जो लोग जैसे तो नया एडमिशन ले रहे हैं वो लोग, उन लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जब हम रॉकेट बना सकते हैं, चांद तारे पर जा सकते हैं, जब हम दूसरी दुनिया में जा सकते हैं, तो ये बैंक के ऑफिसर और क्लर्क और ये सब क्या है? ये तो बहुत छोटी चीज़ है। कौन बनाया है? हम बनाया है ना, आप बनाए हैं ना, हमें तो हमने बनाया है। एंड दोज हु हैव बीन सिलेक्टेड दे शुड एस्पायर फॉर द सीएमडी पोजीशन ऑफ दैट बैंक। You see good luck in your effort. Thank you very much. तो आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे डायरेक्टर महोदय श्री मानव गुप्ता जी का अनुरोध करता हूँ कि वो मुझे देखकर हमारे धन्यवाद करते हैं संजीव जी का कि जो हमने काफी बीते सदियों से वक्त निकाल कर हमारे बीच यहाँ पर आए उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे छात्रों का। और इस सम्मान समारोह में एनआईबीएम के डायरेक्टर मिस्टर गुप्ता का बड़ा हम सम्मान देने आए, इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा एनआईबीएम के डायरेक्टर साहब को जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आ सकूं। मैं यहाँ उपस्थित तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपनी मेहनत और अपनी इच्छा शक्ति से जो सक्सेस पाया है मैं इसको नमन करता हूं। और आप लोग से ही आग्रह करना चाहूंगा कि जो
आप लोगों ने मेहनत अभी दिखाया है, इसी मेहनत को आगे आने वाले दिनों में और अच्छे ढंग से लाइए, जिससे कि आपका भविष्य मंगलमय हो। मुझे लगता है कि दोनों, चाहे NIBM हो चाहे स्टूडेंट्स हो, आप जितना सक्सेसफुल स्टोरी लिखेंगे, NIBM का भी स्टोरी उतना ही सक्सेसफुल होगा। तो दोनों पूरा एक दूसरे के, और जिस तरह की आप लोगों ने सभी टीचर्स की के लिए बताया कि उनका अथक प्रयास रहता है आप लोगों को अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ाने का, बताने का, तो मैं सभी टीचर्स को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने रिटायरमेंट के बाद एक ऐसा फील्ड चुना जहाँ आप हजारों बच्चों को कहीं ना कहीं ले जाने के लिए प्रयासरत है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा, साथ ही साथ सभी बच्चों से ये जरूर अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से आपने सक्सेस प्राप्त किया है, आपके घर में, आपके पड़ोस में जो लोग हो, उनको कैसे हम इस सक्सेसफुल स्टोरी में आगे बढ़ा सके, इसमें जरूर प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है कि आज के इस महंगाई वाले युग में एक परिवार को चलाने के लिए, जो पहले प्रथा चलती थी कि सिर्फ एक घर का गार्जियन कमाएगा, अब वो नहीं चलता है। जो स्थिति है, घर का बजट अगर सभी के सहयोग से नहीं चले तो चलाना मुश्किल होता है। तो आप लोगों ने एक बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत बढ़िया प्रयास किया, जिससे कि आप भी एक पाये के रूप में घर के लिए खड़े हुए हैं, और ये प्रयास सभी लोगों के बीच में कैसे फैले, इसमें आप लोगों की भी आवश्यकता है। जिस तरह से आप सफलता की सीढ़ी को छूटे हैं, वैसे जो लोग छूटे हुए उनको कैसे हम इस सफलता की सीढ़ी में चढ़ा सके, इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। मैं पुनः NIBM के तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों के सफल प्रयास से आज हमारे बच्चे अपने जो भी लक्ष्य थे उसमें सफलता हासिल किए हैं। और मुझे बुलाने के लिए भी मैं आपको पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी माली को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। So now we can feel at least what it makes to be finally selected with the competitive exam. Well, we are felicitated. Yes, sir, now. And now, next one of our... सामूहिक सामूहिक करता हूँ।